पूछना चाह रहा हूँ, अरब की कंपनियां जो हैं वो निवेश करने कश्मीर में आ रही है, यूएई की, अरब की बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, इसका लॉन्ग टर्म में सर कुछ नुकसान दिख रहा है सर? देखिए, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये सब ऐसे तो आएंगे नहीं, निवेश बोर्ड का होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में गृह मंत्री का अधिकार का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो अपना इनपुट बताते हैं, प्रोजेक्शन होती है क्या क्या हो सकता है, किस किस एरिया में आ रहे हैं। तो सिर्फ निवेश, एक तो पहली तो बात है निवेश उन्होंने अनाउंस किया है, अब कितने उसमें प्रस्ताव बन के आते हैं वो नहीं है। प्रस्ताव के बाद आपको प्रस्ताव को एग्जामिन करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, FIPB, उसमें उस बोर्ड में गृह मंत्रालय का भी प्रतिनिधि होता है और वो हमारे जो जो भी शंकाएं हैं, जो भी संदेह है, जो भी हमारी जो पॉइंट ऑफ इश्यू है वो हम उसमें रखते हैं, कितना ग्रेव रखते हैं और कितना वो चाहता है। हम अगर सरकार चाहती ही है कि इसको आगे ले जाना है तो वो अलग बात है, परंतु ऐसा आज जो यूएई आया है वो आज से 20 साल, 20 साल पहले का यूएई से बदला हुआ है। भारत का संबंध भी उनके साथ बदला हुआ, और वैसे भी यूएई बदल गया, मंदिर का निर्माण तक हो रहा है यूएई में, जो आज से जो 1996 में जब मैं कभी दुबई जाना हुआ तो वहाँ ऐसा कोई संभावना भी नज़र नहीं आती। और दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री का वहाँ के आमिर से अच्छा नेतृत्व संबंध है, नेतृत्व के से उस कारण भी हो सकता है। परंतु एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हिंदुस्तान के जो पर्यटन सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे ITC है, वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? ITC तो अंडमान निकोबार में भी वो अपना एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ टूरिज्म प्रमोट करने के लिए नहीं क्यों नहीं आ रहे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो बिल्कुल डल लेक के सामने इतने सारे होटल हैं, 2-3 होटल को अच्छा हाई लेवल रिसॉर्ट बनाए हैं, आगे पहलगांव में भी जा सकते हैं, सोनमर्ग में जा सकते हैं, गुलमर्ग में भी जा सकते हैं, ITC, ताज जैसे लोग जाएंगे तो। बिकॉज आज कश्मीर का जो मूल तरीका है वैली का, वो तीन चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो कारपेट, हैंड टफ्ट कारपेट बोलते हैं, और दूसरा पर्यटन। हैंड टफ्ट कारपेट के लिए भारत सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच खोला हुआ है। अब वो जो भारत सरकार के जो कुशल भारत कौशल भारत योजना के अंदर खोला हुआ है, अब उसमें कितने लोग उसका लाभ उठाते हैं इसका हमें कोई संज्ञान नहीं है। क्योंकि एक मैं मोटी मोटी बात आज सच्चाई बता दूं कि आज जो वैली में रह रहे हैं उसमें कितने मूल रूप से कश्मीरी है, ये बहुत बड़ी संदेह है, क्योंकि कई घुसपैठी 30 साल पहले आके पाकिस्तान से आके यहाँ बस चुके हैं। और दूसरा, रोहिंग्या भी काफी बसाए गए हैं। अब मैं उस मुख्यमंत्री का नाम क्यों दूंगा जो रोहिंग्या को तो उन्होंने जबरदस्ती बसाए और उन्होंने इंटर मैरिजेस भी कर ली, नंबर 2। तो तीसरा, और तीसरा, उनको इन लोगों को मुफ्त में खाने की 70 साल की आदत हो चुकी है कि भारत सरकार के टैक्स पेयर्स के पैसा से कुछ ना कुछ पैकेज करके। तो स्टोन पेल्टिंग जरूर कम हुआ है, पाकिस्तान का हस्ताक्षेप अभी भी रहेगा कि आज इसको बोलते हैं K2 डेस्क बोलते हैं, इंटीरियर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक K2 डेस्क है, खालिस्तान कश्मीर डेस्क बोलते हैं। आज उनका फोकस खालिस्तान में, अगर खालिस्तान में दोबारा आग लगाने से विफल हुए तो वो फिर कश्मीर की तरफ देखेंगे, भले उन वो अपने स्वयं अपने राष्ट्र में संपत्ति से वंचित हो, परंतु
कश्मीर और खालिस्तान डेस्क उनका बड़ा ऑपरेटिव डेस्क है। उसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नार्को टेररिज्म देखो, मैंने अपने उसमें भी कहा है कि 15 to 20% ऑफ द टेरर फंडिंग कम्स फ्रॉम ड्रग पेडलिंग। आजकल जो मेरे अपने जो सोर्सेस हैं वो कहते हैं 30% से चलता है टेरर फंडिंग। तो इसलिए उनको संपत्ति की व्यवस्था नहीं रहती K2 डेस्क, क्योंकि उनका जितना भी ऑप्स है वो और ड्रग फंडिंग वगैरह से चलता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पंजाब में तो बॉर्डर फेंसिंग चल रही है, IB में इंडियन बॉर्डर जो बोलते हैं ना इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर LOC में अभी भी फेंसिंग करना जरूरी है। और बहुत ही टैंक बड़ा डेंजरस है, डिफिकल्ट टेरेन है, तो ये सब चुनौतियां हैं। मैं आशा करता हूं कि अवश्य ये सब हम इसके ऊपर लेके आएंगे और पाकिस्तान को अपने नपाक इनिशिएटिव्स से उनका जो विफल करेंगे, नपाक कोशिश को हम ध्वस्त कर पाएंगे।